नमस्कार, सियासी नुक्ताविद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। चुनाव प्रचार जैसे जैसे जोर पकड़ रहा है, वैसे वैसे नए नए मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं। जैसे अभी दो दिन पहले राहुल गांधी का शक्ति वाला बयान ही चुनावी मुद्दा बन गया। इसका शोर अभी धीमा नहीं पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी इसे बार बार अपनी सभाओं में उठा रहे हैं। नेता और नए मुद्दे तलाशे, उसके पहले आइए हम आपको बता देते हैं अभी किन मुद्दों का शोर है और क्या ये मुद्दे चुनाव में जोर पकड़ पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी अब की बार 400 पार वाला चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा चेहरा कोई और नहीं बल्कि वो खुद हैं। प्रधानमंत्री ने मोदी की गारंटी को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है, तो कांग्रेस की तरफ से भी एक दो नहीं बल्कि 25 गारंटी की बात सामने आ गई है। कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 गारंटी वाला घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। क्या चुनाव में मोदी की गारंटी का मुकाबला राहुल के 5 न्याय और 25 गारंटी कर पाएंगे, यही सबसे बड़ा दिलचस्प सवाल होने वाला है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे लोगों के बीच पेश किया जाएगा। ये घोषणा पत्र 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। पार्टी का कहना है कि ये उसके लिए न्याय पत्र है, जिसे वो घर घर गारंटी के मंत्र के साथ देश के हर मतदाता तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। कांग्रेस कार्य समिति ने इस घोषणा पत्र के मसौदे को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिन 5 न्याय और 25 गारंटी का प्रमुख रूप से जिक्र होगा, उनकी घोषणा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल मोटे मोटे तौर पर कर चुके हैं। कांग्रेस की गारंटी में सबसे बड़ा वादा युवाओं के लिए है। कांग्रेस ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटी की बात की है, उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को 1 साल के लिए अप्रेंटिस कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। कांग्रेस न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को कानूनी दर्जा दिलाने और GST मुक्त खेती का वादा कर रही है। इनमें सबसे बड़ी गारंटी 30 लाख नौकरियां और 1 साल की अप्रेंटिसशिप वाली है। यूपी, बिहार, झारखंड और राजस्थान समेत कई राज्यों में हाल के दिनों में प्रतियोगी परीक्षाएं हुई जिनके पेपर लीक हो गए। सरकारी नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे युवाओं पर कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियां फोकस कर रही हैं। रोजगार अगर चुनाव में मुद्दा बनता है तो इस मोर्चे पर विपक्ष को युवाओं का समर्थन मिल सकता है। चुनाव 7 चरणों में होने हैं, करीब 2 महीने का लंबा वक्त है और इसमें कई मुद्दे जुड़ते रहेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर जिन मुद्दों पर चुनाव अभी दिखाई दे रहा है वो मुद्दे भी साफ दिखने लगे हैं। आइए हम आपको बताते हैं अभी चुनाव किन मुद्दों पर आगे बढ़ता दिख रहा है। BJP के मुद्दे, कांग्रेस के मुद्दे, मोदी की गारंटी, राहुल का कनेक्ट, भ्रष्टाचार से मुक्ति, इलेक्टोरल बॉन्ड, CAA, अनुच्छेद 370, महंगाई, बेरोजगारी, BJP मोदी के चेहरे पर चुनाव में है। मोदी की गारंटी BJP का सबसे बड़ा मुद्दा है। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा और उसके पहले की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के लोगों से जुड़ाव को कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी की यात्रा में जिस तरह लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, वो उनको वोट के तौर पर कन्वर्ट करने में कामयाब होगी। BJP मोदी सरकार के 10 साल के शासन में भ्रष्टाचार से मुक्ति का दावा कर रही है। प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में कहते हैं कि 10 साल के शासन में उन पर या उनकी पार्टी के नेताओं पर कोई दाग नहीं, जबकि इंडिया गठबंधन के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इंडिया गठबंधन के दल और कांग्रेस इस मुद्दे के जवाब में इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे को मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि BJP सरकार ने ईडी और CBI से डराकर चंदा वसूली की है। BJP इस चुनाव में CAA लागू करने और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर जनता के बीच है, जबकि कांग्रेस के नेता महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है अगले 5 साल क्या होने वाला है? बार बार लॉन्च करना पड़ता है। आप में उनमें फर्क ये है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं। एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुरंत दूसरे पर चले जाते हैं।
जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये सभी मुद्दे तो हैं, लेकिन बीजेपी के पास एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसकी काट कांग्रेस और राहुल गांधी नहीं खोज पा रहे हैं, और वो मुद्दा है अयोध्या में राम मंदिर का। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में राम लहर है। आप कहीं भी चले जाइए, अगर चुनाव पर चर्चा होती है तो जनता के दिमाग में सबसे बड़ी बात यही है कि अयोध्या में राम मंदिर बीजेपी की वजह से बन सका। अयोध्या का राम मंदिर मुद्दा उत्तर भारत में बहुत बड़ा मुद्दा है। 22 जनवरी के कार्यक्रम में गांधी परिवार की अनुपस्थिति पर बीजेपी के नेता तो ठीक, जनता भी सवाल उठा रही है। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के नेता लाख समझाते रहे कि अयोध्या में राम मंदिर का ताला तो 1984 में कांग्रेस ने ही खुलवाया था, लेकिन जनता के दिलो दिमाग में ये गहराई से बैठ गया है कि बीजेपी और मोदी ना होते तो अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाता। अयोध्या में राम मंदिर भले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना हो, लेकिन चुनाव में इसका सारा श्रेय बीजेपी को जाता दिख रहा है। चुनावी लाउडस्पीकर और तेज होंगे तो विपक्ष के कौन से मुद्दे जोर पकड़ पाएंगे, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर राहुल गांधी और कांग्रेस एक साल में 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और 25 साल से कम उम्र वालों को एक साल के लिए 1 लाख रुपए वाला प्लेसमेंट दिलवाने का मुद्दा समझाने में कामयाब हो गए तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। राम मंदिर, CAA, 370 सब बेशक बड़े मुद्दे हैं, लेकिन करोड़ों युवाओं को अपने भविष्य की चिंता है। अगर मुद्दों पर वोट हुआ तो कई बड़े बड़े दावों पर संकट आ सकता है। चुनाव में कौन सा मुद्दा उठेगा और कौन सा गिरेगा, इस बारे में हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। चुनावी मुद्दों पर नुक्ताचीनी करते रहेंगे। तो सियासी नुक्ताविद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।